हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। सो आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो लेक्चर्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वीडियो लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड ICSE Standard 9 Chapter 2 2.4 Speed and Velocity. So today we are talking about speed and velocities. Clear? Okay. So यहाँ पर पहले बात करेंगे speed की। तो what is the speed? उसका अगर simple definition देखा जाए तो पहले तो उसके simple definition से शुरुआत करेंगे कि what is speed? तो उसका सिंपल डेफिनेशन में लिखना चाहूँगा कि भाई द डिस्टेंस, यस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिक्यूलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब कि दिए गए टाइम इंटरवल में अगर अपनी जो डिस्टेंस है, उसकी जर्नी है, डिस्टेंस की जर्नी, उसको कंप्लीट करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। तो अगर इसको मुझे फॉर्मूला के तौर पर लिखना हो तो स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल, उसको लिख सकता हूँ पाथ लेंथ। क्लियर? सो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल टू कंप्लीट दैट टोटल डिस्टेंस, सो दैट इज द स्पीड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ स्पीड। सो यूनिट ऑफ स्पीड कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज वन टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ यूनिट दैट इज मीटर। And time interval, we know that that unit is in second. So unit of speed, this is in SI or I can say MKS unit system. So this unit system is based on SI or MKS. Now if I want to write in CGS, so what is the CGS unit of speed? That will be centimeter per second. Here, so that the speed. अब speed में अलग अलग स्पीड के बारे में देखेंगे। फर्स्ट स्पीड आई वांट टू से अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। यस, हम लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना स्कूल में जाने के लिए, तो वो यूनिफॉर्म क्या करते हैं, डेली पहनते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी स्पीड ऐसी एक यूनिफॉर्म है, बट स्पीड को यूनिफॉर्म नहीं पहनाना है। बट इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दी distance is same covered in same particular time। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम दे सकता हूँ, एंड दैट नेम इज कॉन्स्टेंट स्पीड। क्लियर? अब कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब कि भाई अभी स्टार्टिंग के 5 सेकंड में भाई ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर किया, दूसरे 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड द ऑब्जेक्ट विल आल्सो कवर दैट सेम डिस्टेंस 5 मीटर, थर्ड 5 सेकंड कवर दैट ऑब्जेक्ट विल आल्सो कवर सेम डिस्टेंस 5। सो एवरी 5 सेकंड इंटरवल द ऑब्जेक्ट विल कवर सेम डिस्टेंसेस इन हियर एग्जांपल दैट इज 5 मीटर। क्लियर? सो दैट इज़ दी यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड में इन यहाँ पर लिख सकता हूँ एक पॉइंट और के इन एवरी टाइम इंटरवल, यहाँ पर लिखेंगे सेम टाइम इंटरवल, द डिस्टेंस ऑल्सो विल बी द सेम। क्लियर? तो यूनिफॉर्म स्पीड यही कहना चाहता है। अगेन यहाँ पर इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इन एसआई और एमकेएस
अब सेम है यहाँ पर फॉर्मूला भी सेम है, दैट मीन्स दी यूनिट विल ऑल्सो भी सेम. और इफ़ वी वॉन्ट अबाउट इन CGS, यूनिट इन CGS दैट विल बी सेंटीमीटर सेकेंड यूनिट्स. ओके ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें आइडिया आता है कि ये पर्टिकुलर कौन से मेथड की बात हो रही है, कौन सी टॉपिक की बात हो रही है. तो यूनिफॉर्म स्पीड एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो एक ट्रेन के बारे में दे सकते हैं. क्लियर? व्हेन ट्रेन इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. क्लियर? नाउ हियर वी वॉन्ट टू टेक कंसिडर दैट दी दिस स्पीड इज ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड. देर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक, इन दिस स्पीड. तो डायरेक्शन इज नेवर इम्पॉर्टेंट इन स्पीड. ओनली ट्रेन की जो ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है. क्लियर? वी नो दैट. तो ट्रेन की स्पीड की अगर बात होगी तो तब उसकी डायरेक्शन को तुरंत हमें भूल जाना है. क्लियर? तो ट्रेन कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगा, मतलब कि भाई ट्रेन एक आवर में 100 किलोमीटर कवर किया, तो सिमिलर दूसरे आवर में वो सिमिलर 100 किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे आवर में अगेन 100 किलोमीटर. दैट इज कॉल्ड दी कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन. क्लियर? सो दैट इज दी वन एग्जाम्पल. अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना हो तो व्हेन यस कार इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. यहाँ पर मैं पर्टिकुलर डिनोट किया दिस स्ट्रेट पाथ को, क्योंकि स्ट्रेट पाथ होना बहुत ही ज़रूरत है. यहाँ पर कहीं पे भी कार मुड़ने वाली नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पर डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड. तो देर इज़ नो नीड टू इन्वॉल्व दी डायरेक्शन. क्लियर? ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. पहले यूनिफॉर्म की बात की, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसका थोड़ा मीनिंग पढ़ लेते हैं. तो इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. यस, ये क्या कहना चाहता है? इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी ऑब्जेक्ट इफ़ मूविंग, अगर 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 15 मीटर कवर किया, फिर दूसरे 15 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, तीसरे 15 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल विल बी द सेम, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल नॉट सेम, इज नॉट सेम. क्लियर? सो यहाँ पर डिस्टेंस इज चेंजिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड करना चाहता हूँ, टाइम इंटरवल्स विदाउट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है ना, तो स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, बट फिर भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. क्लियर? सो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो फॉर्मूला विल बी द सेम इफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम इंटरवल. सिमिलर अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन SI और MKS, सो इट विल बी मीटर सेकेंड इनवर्स, बट इन CGS इट विल बी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्पीड, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस. यस,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या? तो इफ़ ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन एन इंस्टेंट और इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल यस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत कम है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम है उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब कि तुरंत वाला स्पीड, एट दिस टाइम एट दिस इंस्टेंट दैट इंस्टेंट स्पीड। तो इसकी फॉर्मूला देखें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वेरी स्मॉल टाइम अपॉन दैट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, सो दैट स्मॉल टाइम इंटरवल, सो इट इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर्मूला। अगेन यूनिट, सो इन एम के एस और एस आई यूनिट विल बी द सेम बिकॉज दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस एंड दिस इज नथिंग बट टाइम, सो यूनिट विल बी द सेम। हियर इन सी जी एस देर विल बी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, क्लियर। सो हियर इन इंस्टेंटेनियस स्पीड द ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो आई हैव टू एड दैट सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यस क्लियर। सो दैट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्पीड दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, क्लियर। सो एवरेज स्पीड, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस इन अ टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, सिंपल एज दैट। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला देख ले, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, क्लियर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, तो इन एस आई और एम के एस द यूनिट्स विल बी मीटर सेकेंड इनवर्स और इन सी जी एस यूनिट इज सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, क्लियर। सो दैट्स द एवरेज स्पीड। अब इसको हम लोग लिखेंगे इन द वे ऑफ फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड को मैं डिनोट करूँगा टू एवरेज साइन, सो पाथ लेंथ I can write it as S and time interval is ST. So here if I want to find path length then S is equal to V average speed into T, here. So that's the average speed, okay. Now we are moving on to velocity, yes. So what is the velocity, yes. तो वेलोसिटी मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, आई हैव टू से इन ब्रैकेट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन and final position covers distance in particular direction in given time interval
is called velocity. So velocity में हमें हमेशा याद रखना है कि velocity is a vector quantity. So it is depending on magnitude as well as direction. Clear? So that's the velocity. Now in that velocity, we are starting from the first velocity, and that is uniform velocity. So what is uniform velocity? So here, uniform velocity, if an object covers a displacement, यहाँ पर displacement की बारी आएगी, because displacement is our shortest distance between initial position and final position, and it have particular direction. So covers a displacement in some direction, in particular time interval, is called uniform velocity. Yes, तो uniform velocity में जो भी हमारा object है वो एक direction में सिमिलर स्पीड से, मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिमिलर स्पीड, मतलब कि पहले हमने बात की थी ना भाई 15 सेकेंड में अगर 15 मीटर कवर करता है, दूसरे 15 सेकेंड में दूसरे 15 मीटर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है. तो हियर आई कैन राइट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी ऑल्सो सेम in magnitude and same in direction with time interval, तो उसको हम लोग uniform velocity बोलेंगे. clear? तो uniform velocity, यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो यूनिट MKS और SI, देर विल बी अगेन फार्मूलाज तो सेम ही है, स्पीड की फार्मूला और वेलोसिटी की फार्मूला में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसीलिए मीटर सेकेंड इनवर्स. अगेन दिस विल बी इन CGS, इट इज़ इन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर? सो दैट इज़ दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, नाउ आफ्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देर विल बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So in the non-uniform velocity, if object changes its direction but constant magnitude or changes magnitude but constant direction or both changes with time, then it is called non-uniform वेलोसिटी. यस, तो तब उसको हम लोग बोलने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि भाई अगर वो अपनी डायरेक्शन सेम रखता है बट मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और मैग्नीट्यूड सेम रखता है बट डायरेक्शन चेंज करता है, और दोनों चेंज करता है, तो ये सभी कैटेगरीज आर इन दी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के फर्स्ट हम लोग एग्जांपल की बात करें, क्योंकि एग्जांपल से समझेंगे. तो पहले तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव, क्योंकि सर्कल जब होगा ना तब क्या होगा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल ऐसे घूम रहा है, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सर्कुलरली उसकी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में नीचे जाएगी और इस पॉइंट में राइट हैंड साइड डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन विल बी कंटिन्यूअसली चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इट इज़ कंसिडर इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो ये दिस इज विल बी फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कोई, इफ कार इज मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन सेम पाथ, अगर उसने अपनी स्पीड को भी चेंज किया तो हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. हम लोग बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा रहना होता है, फिर ज़्यादा स्पीड भी लेते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया. पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तुम सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, क्लियर. तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है बट स्पीड इज़ डिफरेंट. अगर इफ बस विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मूविंग सर्क्यूलरली इन द माउंटेन, तो भी दिक्कत होगी, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही कंसिडर होगा. क्यों? अगर सर्क्यूलरली मूव करेगी तो भाई उसकी डायरेक्शन तो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट इज़ कंसिडरिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर, तो ये सभी यहाँ पर कवर हो गए. ओके, अब सपोज के यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई एग्जांपल अगर ध्यान में हो तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ कार इज़ मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज वेल, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन. सेम स्पीड की बात क्यों करेंगे, तो सेम स्पीड मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, दैट्स व्हाई आई टेल सेम स्पीड. तो वो इट इज़ कंसिडर एज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मेन पॉइंट दैट इज, अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला में ही वो छुपा हुआ है. तो फॉर्मूला इज इक्वल टू यहाँ पर वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल. क्लियर, तो जब कभी भी हम लोग टाइम इंटरवल को घटाएंगे तो दैट इज, दैट गिव्स द वेलोसिटी इंस्टेंटली. अगर मैं बात करूँ कि भाई अभी का मुझे कार का वेलोसिटी चाहिए एट दिस 5/5 सेकेंड, सो वो तब जब भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंसिडर एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर, ओके. नाउ पर्टिकुलर यहाँ पर एक एग्जांपल ले, तो इफ कार टाइम इंटरवल विल बी स्मॉलर एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी
will be instantaneous वेलोसिटी, मतलब कि जो स्पीडोमीटर है वहाँ पर जो स्केल दिखाएगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर. यूनिट विल बी द सेम, मीटर सेकेंड इनवर्स, CGS, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर. सो दीज आर द यूनिट्स. ओके, नाउ वेलोसिटी. Now we are moving on to average velocity. So average velocity की definition अगर देखें तो if object covers displacement in time interval is called average velocity. Yes. तो average velocity it is depends on direction as well as magnitude. तो अगर formula की बात करें तो average velocity की formula भाई vector v, क्योंकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर से डिनोट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस अपॉन टी. सो आई कैन फाइंड आल्सो वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर वी इनटू टी. क्लियर. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स. तो इन MKS और SI यूनिट्स विल बी मीटर सेकेंड इनवर्स, और इन CGS यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर. ओके, नाउ एग्जांपल की बात करें, एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल. तो इफ बस मूव्स इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल विथ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड, कुछ भी चेंज हो सकता है. क्लियर. अगर बस जा रही है तो कहीं पे भी मुड़ सकता है, अगर मुड़ेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. इफ बस ट्रैफिक में फंस गई तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी विल ऑल्सो बी चेंजिंग देयर. क्लियर. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ओके, नाउ दिस होल स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक इज कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो डिफरेंशिएशन इज देयर. सो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन स्पीड, स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल. क्लियर. ओके, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, यस, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल. ओके, सो सेकेंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. सो व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड इज डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड. दिस विल डिपेंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. Okay, now fourth one, speed can be positive or zero. Here velocity can be positive, negative or zero. Clear. Okay, fifth one,
फिफ्थ पॉइंट्स में क्या आएगा, तो स्पीड कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी. हियर वेलोसिटी कैन बी इक्वल और लेस देन स्पीड. क्लियर? ओके, सो दीज आर द डिफरेंशिएशन पॉइंट्स बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. दैट्स द स्पीड एंड वेलोसिटी. थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर टिल द एंड. थैंक यू सो मच. दिस मीन्स लॉट टू मी. थैंक यू.